नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। लालू परिवार में खुशी आई है, एक पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई है, घर में लक्ष्मी आई हुई है और पूरा परिवार खुशियों के माहौल में डूबा नजर आ रहा है। दरअसल आपको बताया, आज सुबह ही सुबह तेजस्वी यादव अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर ये जानकारी देते हैं कि उन्हें पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई है। यानी देखिए, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दादा बन गए हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी दादी बन गई हैं और बिहार के डिप्टी सीएम सह स्वास्थ्य मंत्री यानी तेजस्वी यादव पापा बने हैं और उनकी पत्नी यानी राजश्री यादव मम्मी बन गई है। अब इसकी जानकारी जो है खुद तेजस्वी यादव अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक तस्वीर साझा करके देती हैं और जिसके बाद आपको बताया लगातार तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है अपनी बेटी को लेकर के, किस तरह से मुस्कुराते नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव। हमने वो वीडियो दिखाया, हमने आपको वो फोटो दिखाया, एक और फोटो हमने दिखाया जिसमें माँ पापा और बेटी यानी राजश्री यादव तेजस्वी यादव और उनकी बेटी की ये फोटो कितने मुस्कुराते, दोनों माँ बाप और बेटी जो है मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। और एक वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिसे ट्वीट किया है रोहिणी आचार्य ने, यानी बुआ रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया है और ये वीडियो साझा किया है जिसमें राजश्री यादव और तेजस्वी यादव और उनकी बेटी नजर आ रही है। तो देखिए, ये पूरा फैमिली किस तरह से खुशियों के माहौल में डूबा नजर आ रहा है। भले ही कुछ दिनों पहले और कुछ मुसीबतों का सामना पूरे परिवार को करना पड़ा था, जिसमें लालू प्रसाद यादव की किडनी का ट्रांसप्लांटेशन हुआ, इतना ही नहीं ईडी और सीबीआई की शिकंजे यानी ईडी और सीबीआई की छापेमारी हुई, पूछताछ हुई, लेकिन इन सब के बीच एक खुशी का माहौल आ गया जिसमें राजश्री यादव माँ बन गई, तेजस्वी यादव पापा बन गए। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पिता बन गए हैं, उन्होंने खुद बेटी के जन्म की खबर ट्विटर पर साझा की। उन्होंने एक तस्वीर भी शेयर किया है जिसमें वह बच्ची को गोद में लिए दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव ने खुद ही अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए अपनी बेटी की जन्म की जानकारी दी है। तेजस्वी यादव ने बेटी को गोद में लिए हुए अपनी फोटो शेयर की है और कैप्शन में लिखा है, ईश्वर ने आनंदित होकर पुत्री रत्न के रूप में उपहार भेजा है। तेजस्वी यादव के पिता बनने पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी बधाई दी है। उन्होंने भी ट्वीट कर लिखा, पवित्र नवरात्र के दिनों में माता रानी के इस आशीर्वाद के लिए आपको एवं आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई तेजस्वी जी। आप आगे लिखते हैं कि बिटिया रानी को खूब सारा दुलार एवं आशीर्वाद, ईश्वर आपके परिवार को सदा खुश रखे। बता दें कि हाल ही में सीबीआई की टीम दिल्ली में तेजस्वी यादव के घर पहुंची हुई थी। इस पर तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य ने आपत्ति जताते हुए कहा था कि मेरी गर्भवती भाभी को भी परेशान किया जा रहा। आज भी आपको बताया, रोहिणी आचार्य ने बुआ बनने की खुशी जाहिर की है। रोहिणी आचार्य ने भाई और भाभी और अपनी भतीजी की तस्वीर और वीडियो भी शेयर की है और लिखा है कि आज किलकारी गुंजी है मेरे घर आंगन में, खुशियों का ऐसा तोहफा दिया है ईश्वर ने। रोहिणी आचार्य ने करने ट्वीट भी शेयर किया है और लिखा है कि बनकर नन्ही सी परी मेरे घर में मेहमान आई है, खुशियों की संग सौगात लाई है, दादा दादी बनने की खुशी में मम्मी पापा के चेहरे पे जो मुस्कान आई है। तो देखिए, सुबह से ही ट्विटर के जरिए सारी जो खबर है वो आ रही है। पहले तेजस्वी यादव खुद ट्वीट करके जानकारी देते हैं कि उन्हें पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई है। उसके बाद तेज प्रताप यादव यानी मंत्री तेज प्रताप यादव चाचा बन गए हैं, इसकी खुशी की भी उन्होंने साझा करते हैं। वो खुद अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके इसकी जानकारी देते हैं। मीसा भारती ट्वीट करती है, फिर बुआ रोहिणी आचार्य ट्वीट करती है और एक देखिए क्यूट सा प्यारा सा एक वीडियो है जो रोहिणी आचार्य शेयर किए हैं, जिसमें तेजस्वी बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, उनकी पत्नी राजश्री यादव और उनकी बेटी नजर आ रही है। तो देखिए, फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अभी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते हैं न्यूज़ फॉर नेशन।